केदार घाटी में बीते दिनों बारिश के कारण जगह जगह मार्ग अवरुद्ध होने से केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों को जिलाधिकारी सौरभ गहलवाल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। बता दें कि आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक लिंचोली और भीमबली से एयरलिफ्ट कर लगभग 500 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं श्रद्धालु भी जिला प्रशासन और सभी रेस्क्यू टीमों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखते हुए आभार धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तहत ही जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआर और अन्य सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करते हुए सभी तीर्थयात्रियों का कुशलता के साथ सुरक्षित रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पड़े रहे, सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग रास्ता अपना बंद करके फिर हम लोग बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं। हम केदारनाथ के दर्शन होके आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे, उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आँखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया। और बड़ी मुश्किल से निकले हम, प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया, प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ।